मैं हूँ अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। जमीर अहमद खान के मुक्के से डाइस का शीशा टूटकर हुआ टुकड़े टुकड़े। हम हमारा हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। कांग्रेस सरकार की फिर केंद्र सरकार के खिलाफ हड़ताल। बेलगाम में मोदी की एंट्री, कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर अभियान। राज्य के साथ हो रही नाइंसाफी को पूछने की ताकत और हिम्मत नहीं बीजेपी के सांसदों में, कृष्ण बैरेगौड़ा। दिन में 5 बार ड्रेस बदलने वाले प्रधानमंत्री ने देश में कुछ नहीं बदला, प्रकाश राज। कल चामराजनगर के गांव में होगा दोबारा मतदान। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ SIT की जांच, महिलाओं के साथ घिनौना काम, वीडियो करके ब्लैकमेल करने का इल्जाम। महिलाओं के साथ गंदे और अश्लील वीडियो का मामला, प्रज्वल रेवन्ना का पुतला जलाकर विरोध किया गया। राज्य में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, जिसने गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए, भतीजे की करतूतों से नाराज कुमार स्वामी का बयान। अब खबरें विस्तार से। जमीर अहमद खान के मुक्के से डाइस का शीशा टूटकर हुआ टुकड़े टुकड़े। बेलगाम जिला गोकाक शहर के KGN हॉल में कांग्रेस उम्मीदवार मरिनाल हेब्बाड़कर के प्रचार सभा के दौरान बीजेपी की नाकामी, नफरत की राजनीति, कांग्रेस से देश के लिए किए गए योगदान, मुसलमानों की कुर्बानी, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, ये देश हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, हमने खून देकर इसको आज़ाद करवाया है, कहते हुए जज्बाती अंदाज में डाइस को मुक्का मार दिया जमीर अहमद खान ने, जिससे डाइस का शीशा टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। हम हमारा हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। कांग्रेस सरकार की फिर केंद्र के खिलाफ हड़ताल। केंद्र के खिलाफ सूखा राहत फंड की लड़ाई, मोदी वर्सेस सिद्धरामैया सरकार आमने सामने। हमने 18,172 करोड़ मांगे हैं, उन्होंने सिर्फ 3,498 करोड़ दिए हैं, ये बहुत कम है। जो मांगा था इसका चौथा हिस्सा दिया गया है हमें, उन्होंने बहुत कम राहत फंड दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी फिर से राज्य के साथ सौतेला बरताओ, ये नाइंसाफी हम नहीं करेंगे बर्दाश्त, के नारे लगाते हुए विधानसभा के आंगन में रहे गांधी जी की मूर्ति के आगे केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए फिर एक बार अपने अधिकारों को देने की मांग। हम भीख नहीं, हक मांग रहे हैं, कहा कांग्रेस सरकार ने। बेलगाम में मोदी की एंट्री, कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर अभियान। बेलगाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार सभा के लिए पहुंचे तो हाथों में पोस्टर लिए खड़े लोग, कर्नाटक को कांग्रेस से बचाओ, गारंटी योजनाओं से बढ़ रही है महंगाई, राज्य में राष्ट्रपति शासन की ज़रूरत का पोस्टर दिखाकर कांग्रेस के खिलाफ मालिनी सिटी मैदान में किया गया ये अभियान। राज्य के साथ हो रही नाइंसाफी को पूछने की ताकत और हिम्मत नहीं बीजेपी के सांसदों में, कृष्ण बैरेगौड़ा का बयान। राहत फंड और टैक्स में हिस्सेदारी जैसे मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, जबकि बीजेपी सांसद, बीजेपी नेता राज्य के ही सांसद बनकर जनता के लिए और अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं। हमने सब कुछ सही समय पर केंद्र सरकार को दी है रिपोर्ट, इसके बावजूद हमारे साथ हो रही है नाइंसाफी, इसको पूछने के लिए राज्य के बीजेपी के 27 सांसदों और नेताओं को इन्हीं के सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत और ताकत नहीं है, कहा मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा ने।
दिन में 5 बार ड्रेस बदलने वाले प्रधानमंत्री ने देश में कुछ नहीं बदला, प्रकाश राज का बयान। इतना ज्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। दिन में 5 बार ड्रेस बदलने वाले मोदी ने कुछ भी नहीं बदला देश में। हमने 10 साल अधिकार दिया, क्यों आपने काम नहीं किया? कर्नाटक में सूखा पड़ने पर भी क्यों 27 बीजेपी के सांसदों ने सवाल नहीं किया? मदद के लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, शायद ऐसा देश में पहली बार हुआ होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड, मणिपुर, महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे कई मुद्दों पर प्रकाश राज ने निकाली प्रधानमंत्री और बीजेपी के खिलाफ गुलबर्गा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी भड़ास। कल चामराजनगर के गांव में होगा दोबारा मतदान। चामराजनगर के इंडीगंत गांव में चुनाव बहिष्कार करके गांव में मूल सहूलतों को लेकर पोलिंग बूथ चुनाव अधिकारियों पर ही हमला करके तोड़फोड़ और तबाही मचाने का मामला 26 अप्रैल को हुए मतदान के दिन हुआ था। इसी गांव में दोबारा कल यानी 29 अप्रैल री वोटिंग का मौका दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिसके लिए 7 से 6 बजे तक फिर एक बार अपने वोट का इस्तेमाल करेगी यहाँ की जनता, जिसके लिए कड़ा पुलिस बल तैनात और टाइट सिक्योरिटी में होगा मतदान। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एसआईटी की जांच। महिलाओं के साथ घिनौना काम, वीडियो करके ब्लैकमेल करने का इल्जाम। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नाग लक्ष्मी चौधरी का चौंका देने वाला बयान। सैकड़ों हजारों महिलाओं के साथ अपने अधिकार और ताकत का गलत इस्तेमाल करके महिलाओं को बेबस बेसहारा बनाकर इनके साथ घिनौना और गलत काम 2900 के करीब हो सकते हैं, वीडियो का अंदेशा जताते हुए पीड़ित महिलाओं की शिकायत के बाद खुद महिला आयोग ने सरकार से मांगा है जवाब। इस बात को बताते हुए कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और ज़्यादा महिलाओं के साथ किए गए गलत बर्ताव का मामला होगा। मैं ज़्यादा इस वीडियो को देख नहीं पाई। देवेगौड़ा के पोते रेवन्ना के बेटे हासन जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने किया है ये कमाल, जो इलेक्शन होते ही जर्मनी भाग गए हैं पेनड्राइव के बाहर आने के बाद, जिसको लेकर राज्य सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी और वीडियोज़ को FSL जाँच के लिए किया गया है रवाना, कहा महिला आयोग अध्यक्ष नाग लक्ष्मी चौधरी ने। महिलाओं के साथ गंदे और अश्लील वीडियो का मामला। प्रज्वल रेवन्ना का पुतला जलाकर विरोध किया गया। बेंगलुरु के रेस कोर्स और हासन के चौराहों पर हासन के जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के महिलाओं के साथ किए गए घिनौने और अश्लील वीडियो का मामला सामने आने के बाद महिलाओं की बेबसी और लाचारी का गलत फायदा उठाकर हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी पर सख्त कानूनी कार्रवाई और जल्द गिरफ्तारी की मांग करते नजर आए प्रदर्शनकारी। राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम राज्य के दौरे के चलते बेलगाम को पहुंचे। आज बेलगाम, कारवार, चिक्कोड़ी, बागलकोट और दावणगेरे के अलावा 2 दिन उत्तर कर्नाटक के 5 जिलों में प्रचार सभा और रैलियों से 10 मतक्षेत्रों में वोटरों के शिकार करने का टारगेट बनाया है बीजेपी ने, जहां इन क्षेत्रों में 7 मई को मतदान होने वाला है। जिसने गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए, भतीजे की करतूतों से नाराज कुमार स्वामी का बयान। प्रज्वल रेवन्ना वीडियो मामले पर कुमार स्वामी का फर्स्ट रिएक्शन, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, जिसने नमक खाया है उसको पानी भी पीना होगा। सरकार ने एसआईटी की जांच बिठाई है, जो सच्चाई सामने आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। देवेगौड़ा और मैंने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, भतीजे के कारनामे से मायूस नजर आए कुमार स्वामी, क्योंकि देवेगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के परिवार के इज्जत का जो सवाल है ये मामला। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।